नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब वेडनेसडे 9 अक्टूबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आज निफ्टी और भी गिरा है, तो ऐसा ही मैंने लास्ट वीडियो में प्रिडिक्ट किया था कि ये 200 के नीचे क्या 11,000 तक पहले आ सकता है। तो इसका देखिए, ये निफ्टी का मैंने निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है। ये अभी 148 में लो दिया और 191 में क्लोजिंग हुआ है। सॉरी, मेरा नेट में कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। ये निफ्टी फ्यूचर 11,125 के नीचे 11,087 तक आ सकता है। उसके बाद 11,035 के नीचे ये 10,980 तक आ सकता है। उसके बाद ये 10,917, उसके बाद ये 10,830, उसके बाद 11,750-760 तक आ सकता है। तो उसके बाद लास्ट इसका 10,650 में सपोर्ट है, इसका तोड़ना मुश्किल है। और मैं ऑप्शन चेन में देखूंगा तो इसका देखते हैं, ये इसका जो इसका पीसीआर रेशियो लगभग 0.54 है, और भी थोड़ा सा नीचे जा सकता है, 50 के नीचे जा सकता है। उसके बाद एक काउंटर ट्रेड लेकर ऊपर थोड़ा सा रिकवरी हो सकता है। इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में, इधर पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर पुट साइड में इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 11,300 इसमें रेजिस्टेंस है, और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 10,900 में है इसका, सॉरी 11,000 पे है ये इस साइड में, इधर सपोर्ट है। तो इधर ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक इधर जो है, और इधर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इधर ज़्यादा हुआ है, तो इधर जाने का मतलब गिरने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट देखूंगा तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा है कि इधर सपोर्ट लिया है, ये दोनों में ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ये गैप फिलअप होगा लगता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने भी बोला था, तो ये अभी इसका नीचे जाएगा तो 629 पे नीचे 525, उसके बाद 440, उसके बाद 196, उसके बाद ये 26,817, लेकिन इसका भी 26,650 के नीचे जाना मुश्किल है। और इधर ऊपर आप लोग देख सकते हैं 28,468 के ऊपर जा सकता है, 28,685, 29,000 के ऊपर जा सकता है। निफ्टी भी ऊपर जाने के लिए इसको 330 क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ये 380-450 के ऊपर जा सकता है। और इसका प्रोबेबिलिटी मैंने देखूंगा तो ये आप लोग इधर देख सकता है के प्रोबेबिलिटी निफ्टी का भी नीचे है, डाउन साइड में ज़्यादा है, और बैंक निफ्टी का भी डाउन साइड में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।